नमस्कार, स्वागत है आपका द कैपिटल पोस्ट में। आज हम और आशीष बात करेंगे एशिया कप के होने वाले धमाकेदार मुकाबले में, जो कि फाइनल मैच है। हालांकि दोस्तों, हम और आप उम्मीद कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। पाकिस्तान के हारने का गम पाकिस्तान को उतना नहीं होगा जितना हमें है, क्योंकि हम चाहते थे कि फाइनल एक धमाकेदार मुकाबला हो, बहुत ही ज़्यादा तूफानी मुकाबला हो, ताकि भारत आज की शाम इतनी रंगीन हो जाए कि सभी दर्शक फूले ना समाए। लेकिन हालांकि फिर भी भारत इस सीरीज में एक भी मैच हारी नहीं है, सारी टीमों को डोमिनेट करते हुए पूरी तरह से फाइनल में पहुंची है। बांग्लादेश के लिए कड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश चाहेगी कि वह पहला एशिया कप अपना जीते। भारत अभी तक 6 एशिया कप जीत के ये 7वां एशिया कप जीतने के कगार पर खड़ा है। लेकिन पिछले अगर इतिहास की हम थोड़ी सी नज़र डालें तो भारत का इतिहास फिलहाल कुछ दिनों तक ठीक नहीं रहा है। फाइनल में भारत लड़खड़ाती रही है, इस सीरीज में भी भारत लड़खड़ाती हुई पहुंची है। बांग्लादेश से अफगानिस्तान के मैच ड्रॉ रहा, हांगकांग से मैच हम मिली जुली जीत कह सकते हैं, फिर भी हम जीते, पहुंचे और हम आगे भी जीतेंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर इतिहास पर नज़र डालें फिर से, भारत का जो मुकाबला रहा पिछले सीरीज इंग्लैंड के साथ भारत को करारी शिकस्त मिली। इसके पहले हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जहां भारत 180 रनों से हार पाया था पाकिस्तान के हाथों। लेकिन आशीष, आज के मैच को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है? हमारे लिए तो जीतना एकदम जरूरी ही है, क्योंकि अगर हम जीत ना पाए तो फिर पूरे सीरीज का परफॉर्मेंस ही खराब हो जाता है। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एक ऐसी टीम से मैच करना जो पूरे अभी कप में एक मैच भी नहीं हारी। हालांकि थोड़ा अफगानिस्तान से इंडिया का मैच टाई रहा, मतलब मैसेज ये जाता है कि इंडिया हार एक मैच भी अभी तक हारी नहीं है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भी नहीं हारे। लेकिन पंकज, आज मैच हारने का कोई तुक नहीं बनता। आज अगर मैच हारे तो कब हाथ से गया, सीरीज का तो आप पूछिए मत, कोई किसी को कुछ पता नहीं होता किसने कितने रन मारे। कल के अखबार में ये खबर नहीं आएगी कि भारत ने पूरे देशों को डोमिनेट, खबर यही आए कि भारत एशिया कप से बाहर। अब एशिया कप का किंग कौन है यही तय करना है आज रोहित शर्मा को, बिना विराट कोहली, बिना कैप्टन कूल की कप्तानी में। क्योंकि इससे पहले जो हम T20 में बांग्लादेश से दो बार भिड़े, एक बार भिड़े फाइनल मैच में, वो जीते थे विराट कोहली की बेहतरीन परफॉर्मेंस से। निदहास ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस रहा था, छक्का कोई नहीं भूल सकता, वो दिनेश कार्तिक का। ये भी सोचने वाली बात होगी कि आज दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा या KL राहुल को। आशीष, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए जी, मिलना तो KL राहुल को मौका चाहिए, कि जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने 60 रन मारे। हालांकि उनका जो शॉट था वो कहीं से भी एक परफेक्ट शॉट हम लोग नहीं कह सकते। जिस मजबूती से वो और रायडू बैटिंग कर रहे थे, लगातार लंबे पार्टनरशिप दी थी, उसके बाद इस तरीके से शॉट खेलना गलत तो था। लेकिन KL राहुल को पूरे अपने एक सीरीज में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला और साबित भी किया, 60 रन मारे। अगेंस्ट जब हम उस पर दिनेश कार्तिक पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि मानते हैं कि 44 रन के बाद अंपायर के गलत फैसले से थोड़ा उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन उससे पिछले मैचों में उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं ऐसा करा, परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया कि हम KL राहुल की जगह उनको ले पाए। लेकिन ये तो सिलेक्शन करना, टीम फाइनल सिलेक्शन कैप्टन के हाथ में होता है, कोच के हाथ में होता है। लेकिन हमारी उम्मीद रहनी चाहिए कि लगभग प्लेइंग 11 फाइनल है पंकज, आज कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होना टीम में। KL राहुल और दिनेश कार्तिक में दोनों में से किसी एक का ऑप्शन लग रहा है, हो सकता है। देखिए, जहां तक पंकज आपका और मेरा स्टार्ट कहता है, जहां तक हमारी जानकारी कहती है कि सिलेक्टर्स को KL राहुल को मौका देना चाहिए। आज क्या इंपॉर्टेंट है, आज इंपॉर्टेंट है कि रन ज्यादा देना, टारगेट ज्यादा देना। और KL राहुल अपनी विकेट बचाने के साथ साथ रन जोड़ लेते हैं उस हद तक। अगर दूसरी तरफ हम दिनेश कार्तिक की बात करें तो आप खुद देखेंगे टीम में आने का उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब टीम को उनकी जरूरत लगती है तब टीम उनको भेज देती है, बिल्कुल। जबकि KL राहुल के साथ ऐसा नहीं है, अगर उनको तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी खिलाई जाए तो तीसरे नंबर पर ही आते हैं। आप देखिए, ओपनर्स के बाद जब फर्स्ट डाउन उनको भेजा जाता है, इस सीरीज में विराट कोहली नहीं है, हालांकि पिछले सीरीज से विराट अगर तीसरे नंबर पर आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो विराट की बैटिंग पोजीशन पे आता है। और जब आपने हमेशा देखा होगा, जब इंडिया का मिडिल ऑर्डर बिगड़ा तो कोई एक ऐसा सिंगल प्लेयर नहीं जो इंडिया को संभाल पाए। और पंकज, आप और मैं जो बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जब इंडिया के ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर खराब होते हैं तो देखिए आप, उस दिन इंडिया की बॉलिंग भी खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसे इस सीरीज में हमारे ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, खुद कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट के करीब है, वो अगर आज के मैच में, आशीष कितने रन बना लेते हैं बताएंगे? देखिए, लगभग आज के जो मैच में इंडिया को कम से कम नहीं तो 300 के ऊपर का टारगेट आराम से देना होगा। अगर शिखर आज 52 रन बना लेते हैं तो वो सनत जयसूर्या के एक स्कोर को, उनके जो रिकॉर्ड हैं वो है कि 372 उन्होंने एक सीरीज में बनाया है। अगर ये शिखर धवन के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ये इस रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि कोई भी एक सिंगल टूर्नामेंट में
किसी भी सनत जयसूर्या को छोड़कर। हाँ, हालांकि इंडिया लेवल पे सुरेश रैना प्लेयर थे, उन्होंने भी रन मारे थे 322 से ऊपर। हालांकि जो शिखर धवन है वो सेकंड पे अभी लीड कर रहे हैं, यानी कि एक किसी टूर्नामेंट में अगर आज शिखर धवन 52 रन बना लेते हैं तो वो एक ऐसे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएंगे जिन्होंने एक सीरीज में इतने ज्यादा रन मारे। बड़ा स्टैट है, लेकिन अगर 52 रन अगर शिखर बना लेते हैं तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि स्टार्ट हमारी टीम को अच्छा मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा देखा जाए तो वो अपने रिकॉर्ड के लिए बहुत कम खेलते हैं, वो टीम में रन जोड़ने के लिए खेलते हैं। ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव उनके एक तरीके से दिखता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर हमारी थोड़ी जूझती रही है, लगातार जूझती रही है। कोई एक सिंग अभी भी आपको जो ये सीरीज चल रही है इसमें ये लगातार प्लेयर्स देखते जा रहे हैं कि आखिर वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर सेट करने के लिए हमारे पास प्लेयर क्या हैं। हमारे पास ओपनर सेट्स हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर सेट है, हमारे पास स्पिनर सेट है। मिडिल ऑर्डर में हमें कम से कम एटलीस्ट दो ऐसे बेहतरीन प्लेयर चाहिए होंगे जो टीम को रोके रखें, जो एंकर का रोल निभाएं। हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फिटनेस की, चाहे बंग्लादेश के प्लेयर्स लगातार फिटनेस से बाहर हो रहे हैं पंकज, और इसके बाद इंडिया के अक्षर पटेल बाहर हुए, हार्दिक पांड्या बाहर हुए, तो कहीं ना कहीं हमें उसको अल्टरनेट जरूर चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर हो गया, उसके पास हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, पूरी टीम जूझती जा रही है, जिस मर्जी प्लेयर को बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि रन मारो। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन बाहर हुए हैं, तमीम इकबाल पहले मैच में ही बाहर हो गए रिस्ट इंजरी के कारण, तो बांग्लादेश भी काफ़ी हद तक जूझ रही है इंजरी के चलते। देखिए बांग्लादेश इंडिया को जिस चीज़ से बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा संभलने का है वो है उनके बॉलर्स, लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी बॉलिंग जिस तरीके से दुबई के स्टेडियम में रहती है वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है हमेशा की तरह। और रोहित की आपको वीकनेस पता ही है पंकज, अंदर जो मिडिल की बॉल आती है वो कम खेल पाते हैं, और शिखर धवन बहुत एक्स्ट्रा बाहर के बॉलों में हमेशा रिस्क उठाते हैं। मुस्तफिजुर जो कि पिछले मैच से फॉर्म में 4 विकेट लिया था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था उनका। हमारे तरफ से कुलदीप बुमराह के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो भी टॉप लेवल पर, टॉप 5 में हैं। राशिद खान जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं, लेकिन वो उनका तो अब कोई बात ही नहीं बनता क्योंकि वो अब तो उनकी टीम ही बाहर हो चुकी है। मुस्तफिजुर के लिए एक अच्छा मौका है, कुलदीप के लिए अच्छा मौका है। देखिए अब बांग्लादेश के शरीर में आग क्यों लग रही है मैं आपको बताता हूँ। 2016 में एशिया कप का मैच था, इंडिया बांग्लादेश में, बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल था, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया था। निधास ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, आप कैसे वो एक छक्का कैसे भूल सकते हैं दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने इंडिया को जितवाया था। वही एक ऐसी टीम थी पंकज, एक बड़ी बात हो रही है कि यहाँ पे आज ना मैच जरूर इंडिया का है लेकिन श्रीलंका के पूरे फैन सपोर्ट कर रहे हैं। हाथ आया मुंह ना लगाया। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से निधास ट्रॉफी में तो ऐसा ही हो गया था कि बांग्लादेश जीते जीते हार ही गई, उनके मुंह से जीत को छीन कर लेकर चले। दिनेश कार्तिक की एक बहुत तारीफ है, इसके बाद उनका करियर जिस तरीके से बढ़ा आपने खुद देखिए, आईपीएल में उनको कैप्टनसी मिल गई पूरी टीम की परफॉर्मेंस के बाद। हाँ बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो एक आग है ना कि इंडिया को हराने की फाइनल की। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया 6 बार एशिया कप का टाइटल जीत चुकी है, पिछला भी टाइटल इंडिया जीत चुकी थी, इस बार अगर जीती है तो 7वीं बार। बांग्लादेश पंकज एक बार भी नहीं जीती, 2012 में अगेंस्ट पाक फाइनल हारी, 2016 में अगेंस्ट इंडिया फाइनल हारी, 2018 आज है। अब आज देखते हैं उनके जो अंदर की आग है कि इंडिया को हराना है वो कहाँ तक। हमें आपको और आशीष को दुख तो ये सबसे ज्यादा इस बात का है कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच पे, क्योंकि तीसरी बार हम लगातार किसी सीरीज में अगर भारत और पाकिस्तान का मैच देखे तो आप सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा गर्म मैच होगा। और हम लगातार अटकलें लगा रहे थे पंकज की हो जाएगा, पाकिस्तान पहुंच जाएगी फाइनल में, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को रौंदा, 172 रन के ऊपर से 172 रन की टीम पे पूरा ऑल आउट कर दिया था बांग्लादेश को, ये हाल थे बांग्लादेश के। लेकिन देखिए हर मैच अलग होते हैं और आप वो वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं जिसमें बांग्लादेश ने हरा के इंडिया को बाहर किया, को बाहर किया था उस सीरीज से। हाँ बिल्कुल, पूरा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, तो तब से बांग्लादेश इंडिया को अपना एक बहुत बड़ा चैलेंज मानती है। हालांकि इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया के ओपनर्स बिल्कुल सेफ हैं, बांग्लादेश के साथ कुछ प्लेयर से छेड़छाड़ हुई, तमिम इकबाल बाहर हुए, शकीब अल हसन की चोट लगी वो भी बाहर हो गए, तो उनके सबसे की प्लेयर वही है, दो प्लेयर्स से उनके, हाँ वो बाहर हो गए, उनके लिए थोड़ा सा मौका है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बॉलिंग होगी, इंडिया की जो आज स्ट्रेंथ है वो बैटिंग। तो इंडिया को आज मुझे लगता है पंकज की पहले बैटिंग लेके एक अच्छा के बारे में बात कर लेते हैं आशीष की, टॉस अगर इंडिया जीतती है तो उसे क्या करना चाहिए पिच कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि पिच वही है, स्टेडियम वही है, फील्ड वही है। पहले बैटिंग और टारगेट देना, और वो भी 300 से ऊपर का। पंकज इंडिया की तो ये फितरत रही है कि इससे पहले से जब भी इंडिया चाहती है तो जब भी इंडिया फाइनल में पहुंची है वो बॉलिंग ही चूज करती है, वर्ल्ड कप में देखा, 2003 के वर्ल्ड कप में देखा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन नतीजा क्या निकला,
भारत हार गई। लेकिन पंकज बॉलिंग स्ट्रांग है किसी भी टीम की, अगर वो हम उनको कम टारगेट देते हैं तो उनके स्टार्टिंग बैट्समैन इतने बुरे तो नहीं कि वो टारगेट चेस ना कर पाए। और इनफैक्ट फाइनल है, फाइनल में इंडिया का हमेशा प्रदर्शन क्यों खराब रहा हम इसी चीज पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इंडिया ने अपनी उस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। अगर प्रेशर ज्यादा ले लिया, प्रेशर देखिए रोहित शर्मा को खेल की तरह नहीं लिया, प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया कि लगा कि बहुत बड़ा स्कोर। पंकज देखिए आज वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे रोहित शर्मा की बैटिंग पे आज डाउट है, क्योंकि हमेशा फाइनल में उन्होंने टीम की जो ये आप उन पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं रोहित, अगर कभी ये सुनते हैं मना नहीं कर रहा लेकिन मुझे थोड़ा सा उनकी बैटिंग पे आज डाउट है। हम प्रार्थना ये करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले, बहुत ज्यादा करे, शिखर धवन के जितने रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वो मेंटेन करे। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है सबसे ज्यादा रन मारने वाले, पहले नंबर पर शिखर धवन इस मैच में, जो वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो शायद वो भी आने वाले टाइम पे कुछ अच्छे रिकॉर्ड तोड़ सकें। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आज इंडिया को बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना होगा, एज इट इज अपना गेम खेले, टीम में कोई छेड़छाड़ नहीं। लगातार केएल राहुल और दिनेश कार्तिक का सवाल है तो हम तो केएल राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं कि केएल राहुल को टीम में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टारगेट देने की बात है। जी हाँ दोस्तों, 5 बजे का इंतजार हमें और आपको रहेगा। इस आप हमें फेसबुक लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, हम और आशीष जुड़ेंगे फेसबुक लाइव पर, द स्पोर्ट पोस्ट पर हम आप सारे कमेंट्स लेंगे आप क्रिकेट की जो भी हमसे बात शेयर स्कोरिंग कर सकते हैं, हाँ। कमेंट कर सकते हैं, फिर भी स्पोर्ट पोस्ट पर आप हमें लाइव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। और देख कैपिटल पोस्ट पर फेसबुक पे मिलते हैं इनको लाइव, सबके कमेंट्स लेते हैं और उनसे भी थोड़ा कोशिश करते हैं पूछने की वो मैच के बारे में क्या। पोस्ट मैच के लिए भी हम एक शो ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर एनालिसिस करेंगे हम और आप मिलकर, बिल्कुल हम हर मैच की बात करते हैं। बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।